वेलकम एवरीवन, दिस इज दानिशान ताफो एंड यू आर वाचिंग माय पॉडकास्ट पावर्ड बाय कार्बन एक्शन। आज जो मेरे साथ गेस्ट मौजूद है, बहुत मशहूर नाम है, बहुत इंटरेस्टिंग आदमी है और ये एक पावर पैक्ड हमारा एपिसोड होने वाला है। सोशल मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट हैं, होम मिनिस्टर के लॉयर हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं। बहुत मशहूर नाम मेरे साथ मौजूद हैं, फहद बलोच। अस्सलाम वालेकुम फहद। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? तबीयत ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आप मेरी पॉडकास्ट पर आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपसे बहुत सारी बातें होंगी। पहले बताएं, क्या था दिल में, क्या चीज़ थी दिमाग में जो इतनी खिदमत करना शुरू कर दी लोगों की एकदम शुरू से? हम जो है ना, वो थोड़े से माइंड से आदमी के होता है ना कि किसी को तकलीफ़ में देखे तो उसकी मदद करना चाहता है कहीं पे भी, तो बस वो थोड़ा सा जज्बा था और बड़े पुराने दौर से था, 10-12 साल पुराना था। तो हमने उस वक्त शुरू किया, काफ़ी थोड़े बहुत ताल्लुकात थे तो उसकी बेसिस पे हम लोगों के जो इशूज़ थे ना वो आगे ले जाते थे। मुझे आज भी अपना एक पुराना सबसे पहला केस याद है कि एक जियो न्यूज़ पे जो है ना एक वीडियो वायरल हुई थी। एक पुलिस अफसर जो है ना वो एक औरत को मार रहा था और जो है वो उसकी वीडियो वायरल होने के बाद मैंने CCPO साहब जो उस वक्त के थे और अख्तर खान गुरचानी साहब उस वक्त के थे। ये कब की बात है फार? ये है 2010 की बात, 2010-11 की। तो मैंने उनको भेजी, उन्होंने फ़ौरन मुझे रिप्लाई किया कि मैंने उसको सस्पेंड कर दिया, इंक्वायरी ऑर्डर कर दिए। ये जियो न्यूज़ की खबर से पहले हमारी खबर वहाँ पहुँचने पे एक्शन हुआ था। तो तुम उस वक्त लॉ पढ़ रहे थे? नहीं, मैं लॉ नहीं पढ़ रहा था उस वक्त, तो 2010 के अंदर मैं इंटर का स्टूडेंट था, BCom का। तो मैंने उनको भेजी, उन्होंने जो है फॉरन एक्शन लिया। उसके बाद मुझे जियो न्यूज़ वालों ने भी, एक जो उनके रिपोर्टर है दीशान भाई, दीशान शाह साहब, उन्होंने बुलाया, चाय वाय पिलाई, बोलने लगे कि यार ये तो तुमने बड़ा तेज़ी से काम कर दिया। फिर वहाँ से एक थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ा ना, बोला कि लोगों के और काम भी कर सकते हैं इस तरह ना। फिर उन्होंने बहुत काम निकाले इस तरह लोगों के ना, जो भी हमारे, क्योंकि सोशल मीडिया पे सिंध पुलिस का कोई नाम नहीं था। अच्छा, मेरा खानदानी पुराना ताल्लुक सिंध पुलिस से था तो इसलिए मुझे क्या ताल्लुक था खानदानी को, कोई था? मेरे वाले साहब पुलिस में थे। वेरी गुड। उनका इंतकाल हो गया 2004 में। तो उससे फिर जब मैं निकला बाहर तो मैंने उनकी एक लेगेसी होती है ना कंटिन्यू करना, के लोगों के काम आ जाएँ, ये आ जाएँ, वो आ जाएँ। तो वो हम सोशल मीडिया, उस टाइम कोई किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट का पेज जो है ना वो मौजूद ही नहीं था सोशल मीडिया पर। मैंने एक पेज बनाया सिंध पुलिस के नाम का उस वक्त, उस दौर में। फिर उसको हमने इतना चलाया। फिर शायद हयात खान साहब जो उस वक्त SSP हुआ करते थे, वो आगे चल के DIG हो गए। वो DIG होने के बाद जब वो सीट पे आए तो वो एक, हमने लंबी एक दास्तान है उसकी ना, हमने उसको किस तरह जो है ना वो आगे बढ़ाया। शायद हयात साहब ने बहुत काम किया है यार, उन्होंने, मैं देखता हूँ बड़ा उन्होंने ना, ये जो स्नैचर्स हैं प्लस जितने ये केसेस हुए उन्होंने बड़ा इन्होंने काम किया आगे पीछे। यार असल में बात बताऊँ क्या, बात ये होती है कि मैंने मुख्तलिफ किस्म के अफसरों के साथ काम किया है ना, बड़े बहादुर नामवर अफसर जो है ना उनके साथ काम किया, लेकिन शायद आपके साथ काम करने में मज़ा इसलिए आता था क्योंकि वो कहते थे हल बताओ, करना क्या है, मुझे स्टोरी से कोई वास्ता नहीं, तुम क्या चाहते हो क्या करें। वो दूसरी बात पूछते ही नहीं थे कि क्या मैटर में, हाँ क्या मैटर में था क्या नहीं है, बोलते इतनी लंबी नहीं सुनाया कर, बोल करना क्या, मैं भी कर देता हूँ, बस बात खत्म। तो इस तरह के लोग आपको जब पता होता है ना, और वो जो है ना वो बिलीव ही नहीं करते थे इस चीज़ पे कि एक लॉन्ग प्रोसेस पे आदमी को घुमाया जाए, ये बोलते हैं सबसे शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे बताओ कि इसको क्या करना है। ये एक पेज और है हालात अपडेट्स और सोल ब्रदर्स, ये तुम दोनों पेज तुम देख रहे हो? मैं देखता नहीं हूँ, मैं दोनों पे एक्टिव ज़रूर। हालात अपडेट्स पे पहले मैं एक्टिव था, हालात अपडेट्स तो बिल्कुल नहीं, फेसबुक ने अब गायब कर दिया है ना। क्या बिल्कुल नहीं, पता नहीं फेसबुक की कोई, उनके कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स की वजह से ना शायद कोई इशू हो गया उनके साथ। वो पेज जब हमने ज्वाइन किया था तब उनके पास थे 1.5 लाख लोग और फिर हम उसको ले गए थे 4 लाख लोगों तक। वेरी गुड। वो इसलिए 4 लाख लोगों तक चला गया था क्योंकि उस वक्त सोशल मीडिया पे मुझे सोहेल अनवर सियाल साहब थे होम मिनिस्टर, उन्होंने जो है ना बोला था कि आप लोगों के इश्यूज लें और मुझे दें, तो मैं उनको देता था। और हमने बहुत तेज़ी से काम किया था, उन्होंने भी बहुत तेज़ी से काम किया था, बल्कि उन्होंने तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से काम किया था। ऐसे ऐसे काम किए थे जो हो भी नहीं सकते थे। अच्छा, मतलब एक होम मिनिस्टर का काम ये नहीं है लोगों के साथ जो है ना, अगर कोई इशू आ रहा और मैं उसे बोलूँ सर के किसी बंदे ने मुझे अप्रोच किया और उसका एक बंदा है वैंड का बेड चाहिए उसके लिए जिना में, तो वो बेचारे रात के 4 बजे वो वैंड का बेड भी करा के देते थे। अच्छा, वेरी नाइस। हालांकि उनकी जुरिसडिक्शन या डोमेन नहीं थी ना उनका काम था। फेसबुक पे बड़ा तुम वायरल हुए थे कि जी वो रॉबिन हुड है हमारे, रॉबिन हुड, जिस लड़की को देखो फात को टैग करिए, भाई भाई भी लग देती थी कभी। हाँ, नहीं नहीं वो सही है, वो तो ठीक है भाई, नहीं नहीं कोई दुख नहीं है, किसी का मोबाइल चिंता था। असल में ये है कि यार ये लिंक क्या है, तुम क्या उस पर, तुम्हारी वर्किंग क्या होती है? देखिए वर्किंग बताऊँ क्या होती है, अब हमने इतना काम कर लिया ना, इतना मतलब ईमानदारी से काम किया, किसी से कोई पैसे नहीं लिए, कुछ नहीं लिए। जो हमारे हाई अप्स होते हैं ना वो इन चीज़ों को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, सही है। उनके पास तो नीचे लोग पैसे लेने वाले लाखों करोड़ों बैठे हुए हैं, वो चाहें तो किसी के साथ भी काम कर सकते हैं, लेकिन बात ये होती है वो देखते हैं कि कौन ईमानदारी से जो है ना थोड़े बहुत मैटर्स को देख रहा है
और रियलिस्टिक बात बता रहा है, मतलब कोई दो नंबरी नहीं कर रहा, कोई स्टोरी को ट्विस्ट नहीं कर रहा, क्लियर कट बात बता दी। अगर किसी बंदे की कंप्लेन आई और उसकी गलती भी है तो हमने बता दी सर इसकी ये गलती है, लेकिन इसकी गलती कम है, अगले की ज़्यादा है, तो अगले को ज़रा सही से डील करें। तो उसमें होता ये है कि जो हमारे अफसरान होते हैं ना, वो इन चीज़ों को बड़ा पसंद करते हैं, वो बोलते हैं कि ठीक है, जिनसे हमारी आदमी काम करता रहता है ना, तो फिर एक दोस्ती यारी हो जाती है किसी की ना एक दूसरे के साथ, फिर ये नहीं रहता कि वो जो है वो एक आपके नीचे काम कर रहा है ऊपर काम कर रहा है, फिर आपकी उससे एक हाई हेलो हो जाती है। तो लोग इज्जत देने वाले बहुत हैं, तो हम क्या करते हैं कि किसी भी अफसर को बोल दिया सर वो इसका मैटर ये, हालांकि जुरिस्डिक्शन का हो या ना हो, हेल्प करा दी किसी की फ़ोन करा के कहीं पर, तो बड़ा फ़र्क पड़ता है इससे ना। साथ मैंने आपसे बात की अभी, मुझे पता लगा आप कह रहे थे काफ़ी फ़ोन स्नैच होके मोस्टली अफगानिस्तान जाते हैं, वहाँ कौन बैठे हैं जो इतने मोबाइल लेके जमा करते हैं? क्या देखिए बताओ, जब से ये आया ना कि ये ब्लॉक हो जाते हैं यहाँ पे मोबाइल, सही है CPLC, अच्छा पहले चले जाते थे इंटरनेशनल लेवल पे ना, पहले तो खुलते थे मोबाइल, खोले LCD निकाल दी, पार्ट भेज दिए, पार्ट ऐसे पकड़े गए। गुलबर्ग में बशीर बरोई जब SP गुलबर्ग थे, उन्होंने गैंग पकड़ा था पूरा, जो पार्ट्स खोलता था और वो जो है बन करता था। और उसके बाद अब ये अफगानिस्तान का ये आया है कि अफगानिस्तान चले जाते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान जाने की एक वजह है, बात ये है कि मोबाइल कहीं ना कहीं तो चलना है ना। अब स्नैचर भी जो है ना वो तेज़ हो गए हैं, उन्होंने बोला कि कम प्रॉफिट में क्यों काम करें, बिजनेस बढ़ाते हैं थोड़ा, सही है। अब उन्होंने देखें, दूसरी चीज़ ये है, सबसे बड़ी चीज़, मैं इस्लामाबाद रह के आया, मैं एबटाबाद रह के आया, हर जगह रह के आया, लेकिन बात ये है कि मैंने कभी भी कराची की तरह बुरा हाल किसी का नहीं देखा स्नैचिंग के मामले में या किसी चीज़ के मामले में। मैं रात के 4 बजे भी मोबाइल लेके हाथ में घूमाऊँ, लैपटॉप लेके घूमाऊँ, कोई किसी के साथ मसला नहीं होता ना, कोई आपसे पूछता भी नहीं, क्योंकि कानून है, सही है, फ़ौरन पुलिस 2 मिनट के अंदर ना सीधा करके रख देती है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ हज़ारों जगह से रज बसने वाले लोग आके रहते हैं, ठीक है, ख़ास तौर पर आप देखेंगे ये मोबाइल स्नैचिंग करने में, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन बात ये है कि मोस्टली वारदातों के अंदर अफगानी यूज़ करते हैं, सही है, अफगानी होते हैं और ये करते हैं मोबाइल आपके स्नैच, और फिर उसके बाद इनके पास ही तरिया होता है कि किस तरह वो उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं यहाँ से, और वो ट्रांसपोर्ट भी हो जाती है, पूरी चेन बनी हुई, ठीक है, कहती है नफरी कम है, मैं वही तो बोल रहा हूँ, नफरी कम है मेरे हिसाब से। तो फाद आप इस पर एग्री करो या डिसएग्री करो कि जो भर्तियाँ हो रही होती हैं वो तो सेंस से होती हैं, जो कराची का लोकल है इतना लड़का है जो आना चाहता है उनको भर्ती नहीं मिलती। नहीं बताऊँ, भर्ती अगर मिले भी ना, बात ये होती है कि यार देखो मामलात ऐसे होते हैं ना कि इतना प्रेशर, इतनी सारी चीज़ें, कराची के पुलिस के साथ बहुत सारे इश्यूज हैं, नो डाउट, सही जैसे है। सबसे पहला इशू ये है कि देखो यार आपको किसी चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करनी है ना, आपके पास फंड नहीं है, सही है, और महंगी तरीन इन्वेस्टिगेशन भी करनी है ना, तो आपके पास इतने पैसे नहीं है जितने हों, सही है, जब तक ऊपर से अप्रूवल ना आए, ये ना आए, वो ना आए, सारी इन चीज़ों की ना। अच्छा, इस्लामाबाद वगैरह में ये इशूज़ नहीं है, वहीं पे सारा आपको पता है पार्लियामेंट का सारी चीज़ें, तो वहाँ पे ये सारे इश्यूज नहीं है, वहाँ तो कानून सख्त रखना है, सही है, बड़े से बड़ा आदमी भी उसको अंदर कर दो। अब बात ये है कि यहाँ पे लोगों के मामला चलते हैं कि हर कोई किसी ना किसी का जानने वाला निकलता है, ठीक है, या किसी ना दो फोन वो घुमा देता है, 4 फोन आप घुमा देते हो। फिर एक और चीज़, सबसे मेन चीज़ ये है कि देखिए यहाँ पे ना बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों से आके रह रहे होते हैं, अफगानी रह रहे हैं यहाँ पे, सही है, भरे पड़े हैं, सही है। आप चलिए, आप यहाँ पे मोबाइल लेके जरा घर के बाहर तो रात 4 बजे खड़े होकर दिखाओ, मुझे कभी नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, कोई भी आगे छीन के ले जाएगा। लोगों के अंदर डर नहीं है, और डर आता है बिठाने से, समझ रहे, तो वो डर जब बैठेगा जब कानूनी कार्रवाइयाँ सख्त होंगी, कानून सख्त होंगे और स्पीड में होंगे, मतलब एक उनकी स्पीड होगी, ऐसा नहीं होगा कि आपको मैं बंद कर दूँ, आप 2 दिन बाद बेल लेके बाहर खड़े हुए हो, सही है। जब सजाएँ होंगी वो जेल भरो तहरीक है, तो फिर जेल भरनी पड़ेगी आपको, मैं आपको सही बता रहा हूँ, अगर क्रिमिनल सारे जेल जाने छोड़े, जेलें भर जाएंगी और बनानी पड़ जाएंगी एक्स्ट्रा, तो वो बनानी पड़ेंगी, क्योंकि वजह इसकी ये है कि अब बहुत बढ़ गया है क्राइम रेट, बढ़ गया क्राइम रेट, बढ़ गया है। लोग बताऊँ क्या बात ये है कि लोगों के अंदर देखिए बहुत सारे फैक्टर हैं, महंगाई भी बढ़ी है, लोगों के अंदर एक थोड़ी सी ना चुभन पैदा हो गई है, लोग कहते हैं कि भाई मैं कमाता हूँ, कजाता हूँ, रात को आता हूँ, कोई तनख्वाह छीन के ले जाता है, कोई मोबाइल छीन के ले जाता है, सही है, घर से औरत निकलती है कोई पर्स छीन के ले जाता है। उसका एक हल है, उसका हल यही है कि भाई आप इन सबको या तो रिकॉर्ड पे लाओ, रिकॉर्ड रखो इन सबका जितने भी हैं, और रिकॉर्ड रखने के बाद कोई भी स्नैचिंग हो कहीं से भी सबको उठा के वापस बंद करो। मेरा एक सवाल है आपसे, आप लॉयर भी हो इसलिए आप बेहतर बता सकते हो, एक डकैत पकड़ा जाता है या स्नैचर पकड़ा जाता है, अब हर बंदा उसको जान से मारने से डरता है कि यार अभी कोर्ट जाना पड़ेगा, ये कोर्ट की चीज़ें इतनी मुश्किल क्यों है? मतलब आपने बंदा मार दिया, आपको पता है डकैत है, मार दिया उसको, देर देर ख़त्म करो केस को। मैं आपको अपना एक ज़िंदगी का वाकया बताता हूँ, एक बंदे ने मुझसे रब्ता किया, ये मशहूरी जो हमने कमाई है ना दोस्तों यारों की, वैसे कमाई है और किसी की, आप जैसे दोस्त हैं जो इज्जत देते हैं तो हम आ जाते हैं, और कहीं पर भी होता ये है। एक बंदे ने मुझसे रब्ता किया, बोला यार मेरा ना 2 महीने से जज के पास मेरा चालान हो गया था,
तो चालान के बाद चौकी से ना कोर्ट चला जाता है लाइसेंस, वो कोर्ट चला गया, कोर्ट वाले मुझे दे नहीं रहे, मैं कोर्ट जाता हूँ, मैं 2 महीने से चक्कर लगा रहा हूँ। मैंने उससे कोर्ट नंबर पूछी, उसके बराबर में जो जज साहब बैठे थे वो हमारे थोड़े जान पहचान के थे, मैंने उनको बोला आपके बराबर वाली कोर्ट में सर वो मेरे एक जानने वाले का मतलब एक बंदे ने मुझे कंप्लेन की है उसका लाइसेंस फंसा हुआ है, बोला भेजना। 5 मिनट के अंदर उसका लाइसेंस फाइल से निकाल के दे दिया बंदे ने। यही चीज़ें अगर फ्लेक्सिबल और एक आम आदमी के लिए हो जाए ना, मुझे ज़रूरत ना पड़े, मेरे जैसे लोगों की ज़रूरत ना पड़े, मैं तो कहता हूँ खत्म हो जाए। लेकिन बात ये है कि एक्सेस आसान हो जाए आपका। हाँ बिल्कुल, एक्सेस आसान हो जाए, इज्जतदार लेवल को जाए, फीस रख दो किसी चीज़ की, आप फीसें अपॉइंट कर दो, भाई 100 रुपये आपके यहाँ से मिलेंगे। बात ये कि हमारे मुल्क में ना गोल गोल चक्कर घुमाए जाते हैं लोगों को, वो जो गोल गोल चक्कर होते हैं ना उसकी वजह से आदमी आ जाता है परेशान आजिज, फिर वो स्टेट के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लग जाता है, रियासत के बारे में करने लग जाता है। शायद आया साहब के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा तुम्हारा, तुम उनको मेंटोर समझते हो? मेरा एक्सपीरियंस जिंदगी में सबसे अच्छा जो रहा वो शायद आयत के साथ ही रहा, और हमेशा याद रहने वाला रहा। जब भी आप देखोगे कहीं पे मेरे साथ मेरे ऑफिस में आओगे वहाँ पे तस्वीर, बीमार हो गए, हाँ कैंसर हो गया था उनको 2019 में, तो जाहिर है उनका इंतकाल हो गया उससे, लंग्स कैंसर से। लेकिन ये है कि उन्होंने कैंसर भी जब था ना तब भी हम काम कर रहे थे, वो हॉस्पिटल से भी काम कर रहे थे, हम हॉस्पिटल से भी मुझे बोलते थे कोई काम है तो वो हम कर लेते थे, कोई भी इशू होता था वो सॉल्व कर लेते थे। एक्सपीरियंस एक होता है ना, देखिए बहादुर आदमी के साथ मौला अली का कॉल है कि किसी कमज़ोर आदमी से ना कभी राय नहीं लेनी चाहिए, कमज़ोर आदमी जो होता है ना वैसे ही मार देता है आपको, आप जाओगे वो बोलेगा यार ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा, खत्म हो जाएगा, डर जाएगा। लेकिन किसी बहादुर आदमी के साथ काम करने का मज़ा ये होता है कि वो बोलता है कि आग में कूदना है ना कूदेंगे साथ, मर जाएंगे तो मर जाएंगे। शाहिद साहब ने कभी तुमसे कोई पर्सनल चीज़ डिस्कस की कि यार फलाना बंदा था जब तक मैं सीट पे था उस वक्त इसका रवैया बहुत अलग था बाद में चेंज हो गया? नहीं, असल में बताऊँ क्या बात ये है कि वो सीट पे जब नहीं भी थे तो बात बताऊँ क्या होती है, ये पोटेंशियल होती है हर आदमी की अपनी ना। मैं ऐसे बहुत से पुलिस अफसरों को जानता हूँ जिनका कोई पोटेंशियल नहीं है वो सीटों पर बैठे हुए हैं, मैं बहुत से अफसरों को ऐसे जानता हूँ कोई पोटेंशियल नहीं है, आप उनके पास चले जाओ ना वो बैठे हुए काम करके देंगे आपको सही है, और जब वो सीट चढ़ जाएंगे तो उनकी कोई सुनेगा भी नहीं। लेकिन उनका एक तरीका ऐसा था, देखें मैं पॉडकास्ट पे बैठा हूँ खुलेआम बोल सकता हूँ ये बात के, देखें अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, जो काम नहीं करता था वो सीट पे भी नहीं रहता था, रहने नहीं देते थे। फहद एक मर्डर केस बड़ा हाइप पे गया 2012 में हुआ था, बड़ा एक अफसोसनाक वाक़या था शाहजेब का जो कत्ल हुआ था, इसमें अभी बेल हो गई है जो शाहरुख था उसकी, इसमें आई थिंक आप शाहजेब का केस देख रहे थे यार। रात को जिस रात को ये वाकया पेश आया था ना, पहली बात तो ये थी कि वो था एक पुलिस अफसर का बेटा जो मारा गया ना, और उसी रात 25 दिसंबर को ना शाहिद अहद साहब को DIG साउथ लगा दिया गया था। अच्छा। हाँ वो DIG साउथ आ गए थे उस वक्त, तो हमें बड़ी सपोर्ट थी उस मामला में ना। तो हुआ ये था कि कहीं पे भी तस्वीरों का कोई रिकॉर्ड किसी के पास नहीं था उसकी, सिर्फ हमारे पास था। हाँ तो मुझे शाहिद अहद साहब ने बोला कि तुमने कहाँ से अरेंज किया, मैंने कहा सर हम सोशल मीडिया इस्तेमाल किस लिए करते हैं, इसीलिए तो करते हैं, आगे पीछे से कहीं से निकाल लेते ढूंढना। तो खैर वो साहब को बड़ा पसंद आया, साहब ने बोला कि यार देखो इसको क्या करना है, सोशल मीडिया मुझे तो इतना नहीं समझ आता, तो जाहिर है वो पुराने वो दौरों के थे, तो तुम जो है ना वो अपने तौर पर देखो जो देख सकते हो। तो काफ़ी हमने उस पर वर्किंग की। अच्छा बात ये थी कि उसको ना अक्यूट हो गया, वो बाइज़त बरी हो गया, लेकिन वो उसने कानून की टेक्निकलिटी है, वो कानून इस्तेमाल करके हुआ है, कोई गैर कानूनी तौर पे नहीं हुआ है, मैं कहूँगा गैर कानूनी तौर पे बिल्कुल ऐसा हरगिज़ नहीं है, उनकी एक कॉम्प्रोमाइज डीड थी। ठीक है सही है कि सुलह हो गई है माँ बाप के दरमियान। अच्छा ये कानून में मौजूद है, अगर सुलह हो जाए ना इसका कत्ल हुआ उसके लीगल एयर से आपकी, तो आपकी सज़ा खत्म हो जाती है। और वो कॉम्प्रोमाइज़ किस बेसिस पे हुआ क्यों हुआ वो तो अल्लाह बेहतर जानता है, बट वो तो कहते हैं उनकी फैमिली जो है शाहजेब वाली वो कहते हैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ है। नहीं नहीं कॉम्प्रोमाइज़ डीड, कॉम्प्रोमाइज़ डीड है, तो लतीफ़ कोसा साहब ने जो है ऑनरेबल हमारे बड़े बहुत बड़े नाम हैं वकालत में, उन्होंने कोर्ट में जो है आर्गूमेंट करते हुए बोला कि दोनों का सुलह कॉम्प्रोमाइज़ डीड हो चुकी है, अब तो इसको सज़ा नहीं रख सकते, और वाकई सज़ा नहीं रख सकते कॉम्प्रोमाइज़ डीड हो जाए ना अगर वो किसी बेसिस पे भी हुई हो। ये पहला कोई कत्ल केस ऐसा नहीं है दुनिया का जिसमें ये सब हुआ, ऐसा होता रहता है और ऐसा ही होता आएगा। ये क्यों होता है, इसकी वजह यह है कि मैंने एक शो में पहले भी ये बात डिस्कस की थी कि जो लोग होते हैं ना जब आप कत्ल कर आपके बच्चे का कत्ल हो जाएगा ना खुदा ना खास्ता, तो आपके साथ पूरा मोहल्ला खड़ा होगा, पूरी गली खड़ी भी होगी, 6 महीने बाद कोई नज़र भी नहीं आएगा, 6 महीने बाद आप अकेले घूमोगे। आज के दौर में 6 महीने भी आप ज़्यादा, हाँ 6 मैं यही बता रहा हूँ ना, 6 महीने बाद कोई नज़र भी नहीं आएगा, सब आपको भूल जाएंगे। अब आपका घर तो आपने चलाना है ना, ऐसा तो नहीं है कि आपके पास हवा में पैसे उड़ के आ रहे हैं और वो चल रहा है आपका घर, या कोई आगे बराबर से दे रहा है आपके घर में पैसे, ठीक है कि नहीं तेरे बच्चे का केस चलेगा तो मैं तब तक चलाऊंगा। तो उसमें क्या होता है आदमी की मोटिवेशन टूटने लग जाती है, एक तो वैसे ही घरेलू प्रेशर,
माँ रोना धोना घर वालों का ये वो, एक वैसे ही इतना बड़े सानिया किसी के साथ हो जाए, तो उसके बाद वो बंदा क्या करता है, वो यही करता है, बोलता है ले दे के रफा दफा करो और मामला आगे बढ़ाओ। सही है, ये किसी की गलती नहीं है। मैं शाहजेब के बाप ने भी अगर कॉम्प्रोमाइज़ किया मैं गलत नहीं कहूँगा, ये होता है हमारे सिस्टम में है ये सब, बस अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या वजह थी क्या नहीं थी। अल्लाह ताला आसानी करे, बिल्कुल बिल्कुल। फायद आपको इतनी माशाल्लाह आप सर्विस दे रहे हो, सब लोगों की हेल्प आउट करते हो, डेथ थ्रेट्स तो आते होंगे। तो मुझे एक कॉल आई ऑस्ट्रेलिया, मैंने कहा किसी दोस्त यार ने की होगी ऑस्ट्रेलियन नंबर से, तो वो मुझे कहने लगे कि ये बच्चे तुझे तो हम जो है ना वो उड़ाएंगे।